देखिए हिमाचल और देश के लिए एक सम्मान की बात है कि विश्व कप का आयोजन भारत और हिमाचल में हो रहा है। विश्व कप के मैचों में एक सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच धर्मशाला में होगा, कई और बड़े मैच होंगे। एक साल पहले ये वेन्यू, तारीख और सारे मैचेस की डिटेल्स तय हो गई थी। अब अंतिम समय में कहना कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, पाक की उस बात की पुष्टि करने के प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है कि पाकिस्तान की टीम यहां पर सुरक्षित नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर 750 पाकिस्तान के लोगों को जो साउथ एशियन गेम्स में खेलने आए उनके लिए असम की सरकार सिक्योरिटी दे सकती है, तो 15 खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती? वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, यहां भी कांग्रेस की सरकार है। और अगर 2005 में कारगिल के युद्ध के बाद वही नेता उस समय कांग्रेस के अगर उन्हीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अपनी फोटोग्राफ खिंचवाते थे, उनको सम्मानित करते थे, तो आज इसका विरोध क्यों करते हैं? इसको राजनीति का कारण नहीं बनाना चाहिए, प्रदेश और देश के हित में निर्णय लेना चाहिए। और हित यही है कि हिमाचल प्रदेश सुंदर भी है, देवभूमि, वीर भूमि और अब खेल भूमि के रूप में पूरी दुनिया भर में दिखाने का समय आया है। मुझे कम से कम वो लोग शहीदों की बात ना समझाएं जो शहीदों के परिवार के पास जाने के लिए एक महीने का समय लेते हैं। कारगिल के युद्ध में 52 शहीद हुए और कारगिल के युद्ध के समय प्रेम कुमार धूमल जी, नरेंद्र मोदी जी ये कारगिल की सीमा पर गए अपने सैनिकों का हौसला अफजाई करवाने के लिए। 52 जो शहीद हुए उनके एक एक घर में प्रेम कुमार धूमल जी स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गए। मेरे दादाजी फौजी थे, मेरे पिता ने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया, कश्मीर में 2000 सैनिक घायल हुए तो मैंने तिरंगा यात्रा की और वहां जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए और सैनिकों पर पथराव को रोकने के लिए वो प्रयास किए। आज मुझे इनका ज्ञान नहीं चाहिए। हम शहीदों के साथ जितना हर देश का व्यक्ति खड़ा उतने हम भी खड़े उनके परिवार के साथ, लेकिन इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि 15 पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सुरक्षा मुहैया ना करवा सके? अगर हम पाकिस्तान को युद्ध में हरा सकते हैं, खेल के मैदान पर वर्ल्ड कप में हरा सकते हैं, तो हम धर्मशाला में भी सुरक्षा मुहैया कराकर यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर मेरे हिमाचल का विकास होता है, यहां पर विश्व कप का आयोजन होता है, भारत के नाम पर कोई कलंक नहीं लगता, तो एक पद क्या कई पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजनीति खेलों पर नहीं होनी चाहिए। अंतिम समय में किसी भी वेन्यू को बदलना वर्ल्ड कप के समय संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने, हजारों ने टिकट खरीदी है, फ्लाइट्स की दुनिया भर से बुकिंग करवा रखी है, धर्मशाला में होटल्स बुक करवा रखे हैं। क्या अंतिम समय सब कैंसिल हो जाएगा? धर्मशाला से लेकर पठानकोट तक, धर्मशाला से लेकर हमीरपुर तक, धर्मशाला से लेकर कुल्लू तक से लेकर होशियारपुर तक के सारे होटल बुक हैं। क्या होगा इस अर्थव्यवस्था पर?